नमस्कार मित्रों, मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारी विभिन्न समस्याओं को लेकर दर्शकों समक्ष आते हैं और उनसे उन विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन हासिल करते हैं। चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंद्रभाई सुजीतिया जी का यह हमेशा से आग्रह रहा है कि स्वास्थ्य विषय समस्याओं में सामाजिक समस्याओं का समुचित उल्लेख हो, और आज हम एक अनूठे अनछुए विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वो चर्चा है साइबर क्राइम, साइबर विश्व में होने वाले अपराधों पर। और आज इस विषय पर मार्गदर्शन हेतु जिन विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ चर्चा में उपस्थित हैं एक युवा विशेषज्ञ तन्मय जी बंसल। तन्मय जी, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तन्मय जी का अगर मैं अल्प परिचय दूं, धन्यवाद। तो वे अमरावती स्थित बंसल एसोसिएट में साइबर एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। तो हम सीधे विषय की ओर मुड़ते हैं। तन्मय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे साइबर क्राइम यानी साइबर अपराध होते क्या है, कौन से अपराध इन श्रेणी में आते हैं? मैं आप सभी को सबसे पहले साइबर क्राइम से रिलेटेड एक भ्रांति का निवारण करना चाहूंगा। साइबर क्राइम हमेशा से उन क्राइम को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घटित किए जाते हैं, चाहे मोबाइल से हो, चाहे लैपटॉप से, चाहे टैबलेट से, किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किए गए क्राइम को साइबर क्राइम कहा जाता है। उन साइबर क्राइम में फाइनेंशियल क्राइम भी का भी समावेश होता है। उन क्राइम में आपके डेटा की चोरी का भी समावेश होता है। वो सिर्फ एक हैकिंग तक सीमित न रह के एक साइबर वर्ल्ड में बेहद ही उम्दा तरीके से फैलाया हुआ अपने आप में एक क्राइम का जाल होता है, और हर तरह से जो भी एक गैर कानूनी गतिविधि साइबर स्पेस द्वारा कंडक्ट की जाती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। डाटा, जिस शब्द का आपने उल्लेख किया, उससे मैं ये समझ रहा हूँ कि उस व्यक्ति की जो पूरा उसका विवरण होता है, उसका उल्लेख होता है, जानकारी, उसे हम डाटा कहते हैं। जी, आप डाटा को दो तरह से समझ सकते हैं। एक वो जानकारी जो आपके पास उपलब्ध है, जो आपकी निजी है, पर आप ही के अधिकृत क्षेत्र में उसे रहना चाहिए। अब कुछ डाटा ऐसे भी होते हैं जहां आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में या किसी और संबंधित डिवाइस में वो चीज एक कोड के माध्यम से, बाइनरी कोड या फाइल कोड के माध्यम से रिसाइड करती है, जो सिर्फ और सिर्फ साइबर के अधिकारी कि और साइबर से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है वो उन्हें यूटिलाइज या अपने अधीन लेके उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। वो भी डाटा के ही श्रेणी में गिना जाता है। तो जैसा भी देखा गया था कि पिछले कोविड समय में, लॉकडाउन में, जब करीब करीब सभी लोग घर में बंद थे, छात्रों को, विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे या उनको इसकी छूट दी गई, तो ऐसा पाया गया कि इस समय में साइबर क्राइम की संख्या काफी बढ़ी। तो बिल्कुल इसका कारण आप क्या मानते हैं? जी, बिल्कुल। जैसे जैसे विद्यार्थियों, सीनियर सिटीजन्स और बाकी लोगों के पास में अपने अपने डाटा यानी नेटपैक और डिवाइसेस का एक्सेस बढ़ा है, उनके हाथों में वो चीज दी गई है, उन्हें सरकार द्वारा ऑनलाइन क्लासेस या अदर एक्टिविटी, फिर चाहे एक छोटा सा आरोग्य सेतु ऐप जो आपके मोबाइल में होना जरूरी था, इससे लेके हर तरह के सुविधाओं को लैस कराने के लिए जो सुविधाएं सरकार द्वारा प्रेरित की गई थी, उस दौरान आपके और आपके परिवारजनों के, यूथ के, सीनियर सिटीजन के, सभी के हाथ में इन साइबर डिवाइसेस का प्रचलन बढ़ा। जब आप लोग घर में थे उस वक्त आपके पास में डेटा पैक, मतलब इंटरनेट पैक का विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले ऑफरों के साथ में, और वर्क फ्रॉम होम के चलते अलग अलग स्पेस में आने वाले लोगों की कांटेक्ट की वजह से इस प्रत्येक साइबर क्राइम का जो रेट है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो गया। लोगों को अलग अलग प्रलोभन दिए जाने लगे, अलग अलग तरह से लोगों की को फंसाया जाने लगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के समय जब लॉकडाउन में कोरोना वायरस के वैक्सीन और कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट को संबंध में रखते हुए जो प्लाज्मा सप्लाई का काम गवर्नमेंट ने शुरू किया था, उस वक्त एक
अजीब सा जाल बिछाया गया जिसमें आपको फोन करके एसएमएस के द्वारा ऐप के द्वारा ये पूछा जाता था कि सर आपके घर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए कोविड वैक्सीन हम अवेलेबल करवाएंगे, बदले में आपको आपकी जानकारी देनी होगी जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ओटीपी इत्यादि। अब एक सामान्य व्यक्ति को इन सारी जानकारी से किसी तरह का परहेज नहीं होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमारी ये जानकारी देते हैं, हम विभिन्न जगहों पे इवन एक सिम कार्ड के लिए हम ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो एक फोन कॉल पे हमारी जानकारी से हमें क्या ही नुकसान हो जाएगा। और इस फेथ में, इस विश्वास के तहत हम ये जानकारी सामान्य तौर पर उपलब्ध करा देते हैं। यही जानकारी का दुरुपयोग करते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपके जानकारी को यूटिलाइज करते हुए आपको फाइनेंशियली तथा अन्य प्रकार से थ्रेट पहुंचाए जा सकते हैं, और ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। मित्र, जिस तरह से तन्मय जी हमसे कह रहे हैं कि जिस तरह से जो अधिकृत होते हैं या आधिकारिक ऐप होते हैं या वेबसाइट होती है, उसी की कई लोग डुप्लीकेट बना लेते हैं, उससे मिलते जुलते, उससे रूप रंग में नाम से मिलते जुलते वेबसाइट या ऐप बना लेते हैं, और लोग अनजाने या भ्रमवश या किसी प्रलोभन के कारण वहाँ उसको एक्सेस करते हैं, उसको क्लिक करते हैं और वहीं जाकर वो फंस जाते हैं। तन्मय जी, मैं शायद सही कर रहा हूँ? बिल्कुल, इसका एक बेहतरीन एक उदाहरण आया था जब पीएम केयर फंड के नाम पे हमने हमारे जज्बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने उनसे मिलते जुलते अकाउंट क्रिएट कर लिए, उससे मिलते जुलते क्यूआर कोड क्रिएट कर लिए। आपकी सद्भावना को ध्यान में रखते हुए पीएम केयर फंड में आप डोनेट करने चाह रहे थे, और वो पैसा जा रहा था उन अनाधिकृत लोगों के अकाउंट में जो कि इस तरह से फ्रॉड कंडक्ट कर रहे थे। इन सब के अलावा एक और उदाहरण निकल के सामने आया है जहाँ पे कोविन ऐप, जो कि सरकार द्वारा प्रस्तावित एक कोविड वैक्सीन के वितरण के लिए ऐप है, उसी के डुप्लीकेट ऐप मार्केट में लोगों ने लॉन्च कर दिए है। इस इन ऐप द्वारा आपकी निजी जानकारी, आपके बैंक डिटेल्स, आपके आधार डिटेल्स, आपके पैन डिटेल्स, सारी डिटेल्स को भरवाया जाता है, जबकि सरकार द्वारा ऐसा किसी भी प्रस्ताव में या किसी भी नोटिस में ये जारी नहीं किया गया है अब तक कि आपको इन सारी निजी जानकारी को किन ऐप को कितने एक्सेस तक के उपलब्ध कराना है। और अंत में आप जब ये सारी चीजों को समझ पाते हैं कि आपके साथ में क्या हुआ, तब तक इतना देर हो चुका होता है कि आपकी सारी जानकारी उनके पास ऑलरेडी उपलब्ध होती है और आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। मित्रों, जैसे तन्मय जी हमसे कह रहे हैं कि जब तक आप किसी विषय में पूरी तरह से निश्चित नहीं होते हैं, तो बिना किसी प्रलोभन में आए या किसी दबाव में आए आप अपनी निजी जानकारी कहीं और शेयर न करें। तन्मय जी, आमतौर पर एक देखा गया है कि अभी सभी लोगों, खास युवा पीढ़ी में, ऑनलाइन शॉपिंग यानी जो ऑनलाइन से सामान मंगाते हैं उसका चलन बढ़ा है। हो सकता है जो सस्ती हो या जल्दी आ जाती हो, पर इसमें अक्सर ऐसा पाया गया कि इसमें धोखाधड़ी बहुत होती है कि मंगाया कुछ गया आता कुछ है, या जो बोला गया उसमें पैसे भर दिए और पैसे बाद में मिलते ही नहीं है। ये किस तरह की श्रेणी में होता है और इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं? जी, ये एक तरह का साइबर क्राइम ही है जिसमें आपको विभिन्न वेबसाइट्स, विभिन्न एप्लीकेशन के तौर पे प्रलोभन दिए जाते हैं, एक ऐसे ऑफर की लालच दी जाती है जो एक रियलिटी में, वास्तविकता में एग्जिस्ट कर पाना या बिलीव कर पाना बिल्कुल नामुमकिन लगता है। आपको 5,000 की चीज 500 या 600 रुपये ऐसे प्रलोभन में दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप इसका भुगतान तुरंत करेंगे तभी आपको ये चीज अवेलेबल करा के दी जाएगी। और अक्सर इस प्रलोभन में के युवा पीढ़ी इस ऑफर की और लालच को ध्यान में रखते हुए उन फेक वेबसाइट्स और धोखाधड़ी की जाने वाली एप्लीकेशन पे अपनी सारी डिटेल भर देते हैं। कार्ड का नंबर, अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर है, ओटीपीज है, अपने सीवीवी है, सारी डिटेल्स वहां डिस्क्लोज कर देते हैं। अब होता जनरली ये है कि एक बार आपको लॉस हुआ है या आपको एक बार उस जगह से धोखाधड़ी के वजह से कोई सामान नहीं मिला, आप सोचते हो यार 500 रुपये का नुकसान है, मैं इस चीज को भूल जाता हूँ एक बुरे सपने की तरह। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो सिर्फ 500 रुपये एक बार का नुकसान नहीं होगा, आपने जो जानकारी वहां डिस्क्लोज की है तथा उसके साथ होने वाले डैमेज एक दूरगामी परिणाम के साथ आप ही के तौर पर रिटर्न आ सकते हैं।
रही बात ऑनलाइन शॉपिंग की, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ये जरूर ध्यान में रखें कि आप किस व्यक्ति से क्या सामान खरीद रहे हैं, किस माध्यम से खरीद रहे हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही हो, उसका भुगतान पूरी तरह सिक्योर हो, और वो सारी जानकारी मतलब मीन्स आपके ट्रांजेक्शन की जानकारी, आपके ऑर्डर की जानकारी, सारी कुछ जानकारी उनके टर्म्स एंड कंडीशन शीट में क्लियरली मेंशन हो, तभी एक बार पूरी तरह सजग होके जानकारी लेके ही किसी चीज का ट्रांजेक्शन आप करें, अन्यथा बिना जानकारी के किसी भी साइट पर जाके अपनी जानकारी डिस्क्लोज ना करें, इस बात का आपको खासा ख्याल रखना चाहिए। तन्मय, एक समस्या का हमको अक्सर सामना करना पड़ता है कि कई बार फोन आते हैं कि आपको फला बैंक बिना किसी इंटरेस्ट के इतना लोन दे रही है या कोई क्रेडिट कार्ड दे रही है, तो प्रश्न ये है कि ये अधिकृत है या नहीं है और इन्हें हमें कितनी जानकारी देनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको उस लोन की, उस क्रेडिट कार्ड की, उस स्कीम की जरूरत कितनी है या जरूरत है भी या नहीं। मात्र प्रलोभन में या लालच में आकर या किसी तरह के एक अनोखे स्कीम के लालच में फंस कर आपको किसी भी तरह की जानकारी या जल्दबाजी नहीं करनी। आपको जैसे ही समझ आता है कि नहीं, आपको किसी प्रकार की कोई जरूरत को ना ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपसे जानकारी लेने के हेतु से यह फोन किया जाता है, आपको तुरंत उस फोन को रिस्पॉन्ड किए करना है और उन्हें मना करना है कि सर मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, आप कृपया फोन ना करें। कई बार होता है कि ये फोन किसी अधिकृत बैंक से नहीं आता है, ऐसे में आपको सबसे पहले तो ये जानकारी लेनी है कि वो फोन बैंक से ही आया है। अगर कोई फोन बैंक की तरफ से आता है या किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आता है तो फोन करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान, अपना एम्प्लॉय कोड, अपनी जानकारी जरूर देगा और आप उससे यह जानकारी मांगने के लिए पूरी तरह अधिकार रखते हैं। जब आप संतुष्ट हो कि वो कॉल अधिकृत बैंक या फिर किसी जेन्युइन पर्सन से ही आया है, तभी अपनी जानकारी सिर्फ और सिर्फ इतनी शेयर करें जितनी जरूरत हो। आपसे पूछा जाएगा आपके पिताजी का पूरा नाम क्या है, आपकी माताजी का पूरा नाम क्या है। कई बार होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में ये सब चीजें मेंशन होती है। अगर उन आपको किसी तरह का कॉल आया है, उनके पास उसमें ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपको उस जानकारी को फिर से दोहराने या रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बताया जा सकता है कि आपके पास मेरे सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, आप सिर्फ वो जानकारी मुझसे पूछिए जिस जानकारी की आपको अभी इस फोन कॉल पे आवश्यकता है। कई बार फोन ऐसा आता है कि हम यहाँ से बोल रहे हैं और आपका क्रेडिट कार्ड उसको हम ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं या उस तरह की धमकी देते हैं, अगर आप जानकारी नहीं देंगे तो इसको हम बंद कर देंगे। तो ऐसे समय में एक सामान्य आदमी है वो पशु पेश में पड़ जाता है, मैं क्या करूँ करके, और इस भूल में वो अपनी जानकारी मुहैया करा देता है। इस सूरत हाल में आपको सबसे पहले तो अपने बैंक या बैंकर से कांटेक्ट करना है जिसके तहत आपने वो कार्ड या वो किसी तरह का स्कीम लिया है। अगर आपको पहले से सूचना दी जाती है किसी प्रकार के कॉल के आने की संभावना की या किसी व्यक्ति के कॉल करने करके कोई जानकारी डिस्क्लोज करने की, आप उन सारी जानकारी की एक लिस्ट बनाए, एक यादी बनाए, जो जो जानकारी आपसे पूछी जाएगी और जो जानकारी आपको बैंकर द्वारा सुझाई गई है कि किसी कॉल पे देनी है, और सिर्फ उतनी ही जानकारी अब उस सजेशन पे दे। अन्यथा किसी भी ऐसे कॉल में जल्दबाजी ना करें, अपने नियरेस्ट बैंक या नियरेस्ट साइबर एक्सपर्ट से संपर्क करें और उनसे पूरी बात बताएं कि हमें ऐसा ऐसा हुआ है। आपका कार्ड, आपकी सुविधा, आपका बैंक कहीं नहीं जाएगा, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं है। अगर कॉल एक बार आ सकता है तो दोबारा आ सकता है, अगर वो किसी तरह के ऑथेंटिकेशन के लिए। इसलिए कभी भी जब तक आप पूरी तरह किसी चीज के ऊपर श्योर नहीं है तब तक कोई भी जानकारी डिस्क्लोज करने की आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं तो तन्मय जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि आपकी जो निजी जानकारी है वो आपकी बहुत बड़ी संपत्ति है और ये आपके लिए एक मामूली सी बात हो सकती है, लेकिन जो साइबर क्राइम में लिप्त लोग हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना होती है। और साथ ही साथ में आपकी जानकारी के साथ में आपके जो बैंक अकाउंट अटैच होते हैं, संलग्न होते हैं, ये जानकारी से सीधे लोगों की पहुंच वहां तक हो सकती है और देखते देखते आपका लाखों करोड़ों का रुपया एक एक मिनट में, एक क्षण में पूरी तरह से खाली हो सकता है। ऐसे कई किस्से आए हैं और ऐसे किस्सों को ऐसा कहा जाता है कि टिप ऑफ आइसबर्ग है, कि ये पूरा एक हिमखंड है जो पूरा समुद्र में डूबा हुआ है, उसका एक छोटा सा सिरा में नजर आ रहा है। तो मान लीजिए अगर एक केस अगर रिपोर्ट हुआ तो तकरीबन 1000 केसेस जो है कि अनरिपोर्टेड है, जिनकी कोई सूचना नहीं मिली है। तो ऐसी धोखाधड़ी से आप सचेत रहिए, सावधान रहिए, और जहां पर आप आवश्यकता महसूस करते हैं
वहां पर तन्मय जी बंसल जैसे एक्सपर्ट आपकी मदद के लिए तैयार हैं। तन्मय जी, एक अक्सर करके एक दूसरा जो प्रश्न आता है कि आप ईमेल तैयार करते हैं, ईमेल के अंदर में आपसे पूछा जाता है कि अगर आईडी आपका पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस समय में एक आपका पसंदीदा चीज कौन सी है या कोई प्रश्न पूछा जाता है। और आमतौर पर यह होता है कि लोग टालने के हेतु वही आईडी वापरते हैं, वही पासवर्ड करते हैं और उसी तरह का क्वेश्चन रखते हैं। और जैसी मेरी जानकारी कि हैकर्स लोग इस चीज में बड़े प्रवीण होते हैं, निपुण होते हैं कि वो मान लेते हैं कि आपके आसपास का नाम क्या हो सकता है, ये हो सकता है, तो ट्रायल एरर के नाम से वो कर सकते हैं। तो इस तरह की धोखाधड़ी से बचने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? सर, पहले आप जिन ईमेल आईडीज की बात कर रहे हैं, बहुत लोगों में यह प्रचलित है कि वे एक ईमेल आईडी को सभी जगह यूज करते हैं। वही चीज को सोशल मीडिया में यूटिलाइज किया जाएगा, उसी ईमेल आईडी को आप बैंक अकाउंट्स में यूटिलाइज करोगे, वही ईमेल आईडी आपके कम्युनिकेशन पर्पस में यूटिलाइज होगी, वही ईमेल आईडी से आपका मोबाइल डिवाइसेस भी लॉगिन रहेगा। अब आपको उस ईमेल आईडी की महत्वता को समझना है। आप अपनी ईमेल आईडी को जितना सिक्योर रखेंगे, आपके आसपास का परिसर उस ईमेल आईडी से जो भी कनेक्टेड है उतना ही सिक्योर रहेगा। आपने बैंक में ईमेल आईडी दी है, अगर आपका ईमेल आईडी हैक होता है तो आपको आने वाली सारी सूचनाएं ऑटोमेटिकली हैक हो चुकी है, आपको ये समझने वाली बात है। रही बात उन सिक्योरिटी क्वेश्चंस की, अक्सर देखा जाता है कि लोग टालने हेतु आपके पिताजी का नाम या उन जानकारियों पे अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस रख देते हैं, जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस किसी भी आम डॉक्यूमेंट में या आपको जानने वाले किसी भी पर्सन के पास से आसानी से उपलब्ध हो सकती है। अब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन दरअसल एक बाईपास सिस्टम होता है आप ही के अकाउंट में लॉग इन करने का, जो कि आपके पासवर्ड भूल जाने या खो जाने के सूरत हाल में यूज किया जाए। इस बायपास को अगर आप अनसिक्योर या फिर कम लेस सिक्योर छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक रास्ता किसी के लिए बना दे रहे हैं कि आप उस ट्रैप में या उस जाल में फंसते चले जाएं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे सवालों का जवाब या ऐसे सवाल सेट करें जैसे आपके मामा के तीसरे लड़के का नाम क्या होगा। यह जानकारी आपको जरूर होगी, लेकिन यह जानकारी किसी और हैकर या किसी और पर्सन के लिए निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। इसी तरह से आप सिर्फ वही जानकारी या डिस्क्लोज करोगे जो जानकारी एक्चुअल में सिर्फ आपकी निजी संपत्ति है। आप इन विषयों के बारे में जितना ज्यादा जानकार बनेंगे उतने ही ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। फिर अभी मान लीजिए ऐसा कोई साइबर क्राइम होता है, कोई अपराध होता है, कोई उसका शिकार होता है, उस समय में उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आसपास घटित किसी भी या आपके साथ हुए किसी भी इंसिडेंट या साइबर क्राइम को इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए। आप उसके लिए साइबर सेल पुलिस प्रशासन की मदद ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या आपके पास उन तक पहुंचने का समय नहीं है, आप अपने नियरेस्ट साइबर एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। वे आपको बताएंगे, आपको एक दिशा देंगे, आपको गाइडेंस देंगे कि आपको उस पर्टिकुलर ट्रैप से या तो कैसे बचना है, और अगर आप उस ट्रैप के शिकार हो चुके हैं तो आगे उससे होने वाला डैमेज को कैसे मिनिमाइज करना है। आपको एक बार आपको ये बात समझनी होगी कि फंसे हुए चीज से निकलना ज्यादा जरूरी है बजाय उसमें उसे इग्नोर करने से, आंख बंद कर लेने से कभी भी मुसीबत टल नहीं जाएगी, मुसीबत का हल आपको खुद निकालना होगा। तीसरी बात, जानकार बने, बिना जानकारी के किसी भी चीज में और या किसी भी जगह पे अपने आप को डिस्क्लोज ना करें, अपने आसपास की चीजों को समझें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है वैसे वैसे साइबर क्राइम भी अपग्रेड हो रहे हैं, और आपको भी अपडेट होना उतना ही जरूरी है ताकि आप इन सारे अपडेशन और टेक्नोलॉजी के एक जाल से बचे रहे और सुरक्षित अपना जीवन यापन करते रहे। मित्रों, जैसा तन्मय जी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी दिन पर दिन विकसित हो रही है और डेवलप हो रही है, तो उससे हमें कदम से कदम मिलाकर खुद को भी अपडेट करना है, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो जो पॉजिटिव की तरफ जा रही है उतने जो नेगेटिव माइंड वाले लोग हैं, जो इस अपराध कृत्य में लिप्त लोग हैं, वो भी उतना ही अपडेट हो रहे हैं और अपराधी वृत्ति को उस दिशा में भी लेके जा रहे हैं, वो भी उतनी ही एक्सपर्ट हैं। तो तन्मय जी का ये कहना है कि जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो आप पुरानी लीक से हटके उसके साथ में डेवलप हों और समुचित जानकारी रखें। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप अपना पासवर्ड या अपना ईमेल आईडी सिक्योर करते हैं तो इसके 1, 2, 3 जो स्टेजेस होते हैं आप भली भांति समझ लीजिए। किसी भी प्रकार की अगर आपको कठिनाई लगती है तो साइबर एक्सपर्ट्स आपकी मदद के लिए तैयार है और उनकी मदद में आप किसी तरह का संकोच ना करें। दूसरी बात कि अगर आप इसके शिकार होते हैं तो उसे छोड़ ना दें, क्योंकि जो चीज आपके साथ घटी थी और किसी के साथ में हो सकती है, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो इस कृत्य में लिप्त लोग हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा
और अगर इस तरह की रिपोर्टिंग होती है, इस तरह की बातें मालूम पड़ती हैं, तो शायद उन पर भी अंकुश लगेगा, सरकार भी जागृत होगी और प्रशासन भी जागृत होगा। तो इसलिए इन अपराधों को आप इग्नोर न करें, उनकी ओर लापरवाही न बरतें। सर मैं चूंकि हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर हैं, तो इस समय में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका ज्ञान, आपकी जानकारी, आपका संयम और आप ही की हुई रिसर्च आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आसपास के सुरक्षित रहिए। आप घरों में हैं, आपके बच्चों को, आपके सीनियर सिटीजन बुजुर्गों के पास, आजकल हर किसी के पास टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस उपलब्ध है, डेटा पैक उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। बस इन्हीं डेटा पैक्स और डिवाइसेस के साथ बरती जाने वाली सावधानियां भी आप उन्हें स्वयं बताएं। इन सारी चीजों का वहन करते हुए एक सुरक्षित और सुखी जीवन हर कोई यापन करे, यही हमारी कामना है। मित्रों, जैसा तन्मय जी कह रहे हैं कि आपका स्वयं का जो ज्ञान है या उसकी जानकारी है, वही आपका सुरक्षा कवच है। तो इसे दिन पर दिन विकसित करते रहिए। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। इस विषय में अपने विचार और अपना अभिप्राय स्क्रीन के दिखाए नंबर पर हमें सूचित करें। क्योंकि समय की अपनी सीमा है, इसलिए विदा का समय हो गया है। इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ फिर मुलाकात होगी।